सीतापुर में गेहूं की फसल पकी खड़ी है और विद्युत विभाग की लापरवाही से किसानों को बहुत चिंता सता रही है। जी हां, मामला झरेखापुर उपकेंद्र क्षेत्र में पड़ने वाली लाइन गुलरी पुरवा का है, जिसमें लगभग 40 वर्ष पूर्व लाइन बनी थी। ज्यादा से ज्यादा वही तार लगे हैं, आए दिन टूट कर गिर रहे हैं और किसानों के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। शुक्रवार को झरेखापुर उपकेंद्र के रिखौना फीडर की गुलरी पुरवा लाइन का तार टूट कर गिरने से दो किसानों का काफी नुकसान हो गया। किसान पकी फसल को खेतों में काट रहे थे, तभी अचानक 11 बजे तार टूट कर गिर गया। गनीमत ये रही कि किसानों के ऊपर नहीं गिरा और देखते ही देखते एक चिंगारी से लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बताते हैं, गाया पुत्र चंद्रिका गुलरी पुरवा का गेहूं एवं राम खेलावन पुत्र कडीले बेलही निवासी का गन्ना जलकर राख हो गया। इस अग्निकांड से विद्युत विभाग के प्रति किसानों में रोष व्याप्त है। आपका है? हाँ। कैसे आग लगी? तार गिर गया। बिजली का? हाँ, बिजली का। बिजली चल रही थी? हाँ, बिजली चल रही थी। अच्छा। क्या पहले भी कभी गिरा था तार? कभी चक्कर मतलब तार गिरा है। अच्छा, बहुत चक्कर गिर चुका है। कितना नुकसान हो गया? नुकसान गन्ना पर गया, सब गेहूँ पर गए। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? राम लखन। पिताजी का नाम? कढ़िले। कहाँ के रहने वाले हो? बेलही के। और जो गेहूँ जला वो कहाँ का है? गुलरीपुरवा का। अच्छा, आप लोगों खेतों से होके लाइन गुजरती है? हाँ। क्या चाहते हो? चाहते जो सर चाहो तो देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।